हेलो फ्रेंड्स, इन द बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन दिस प्लेलिस्ट वी हैव सीन अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाउ मैग्निफिकेशन इज डन, व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड ऑल दैट. ठीक है, अभी माइक्रोस्कोप के ही कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है, जिसको लेंस कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिज आर द ऑब्जेक्टिव लेंस विच आर प्रेजेंट इन द माइक्रोस्कोप. आपको पता ही होगा, अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है, तो कि ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता है. कैन एनी वन गैस विच इज द ऑब्जेक्टिव लेंस? सो यू कैन सी हियर, इट इज अ ऑब्जेक्टिव लेंस. राइट, तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर वाले लेंस जो है वो रहते हैं. इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस लोकेशन वाइज, सो इट इज द लेंस विच इज नियरेस्ट टू द स्पेसिमेन, क्योंकि स्टेज पे हम यहाँ पे स्पेसिमेन रखते हैं, और उससे जो सबसे नजदीक का लेंस रहता है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. दूसरा लेंस यहाँ पे रहता है जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है. सो दिस इज द लेंस विच इज नियर टू द स्पेसिमेन. तो हम कुल मिला के इसकी बात करने वाले हैं आज, कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कौन से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर. सो द ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट द बॉटम नियर टू द सैंपल. ये जो बॉडी ट्यूब है, इसको बॉडी ट्यूब कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ट्यूब. तो बॉडी ट्यूब के बॉटम में जो लेंस प्रेजेंट है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है. इट इज सिंपलेस्ट एंड हाई पावर मैग्निफिकेशन ग्लास. राइट, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो बहुत कम होता है. राइट, टोटल तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है मैग्निफिकेशन वाइज. 10x, जिसको लो पावर मैग्निफिकेशन लेंस कहा जाता है. दूसरा है 40x, जिसको हाई पावर ड्राई मैग्निफिकेशन लेंस कहा जाता है. एंड तीसरा होता है 100x, जिसको ऑयल इमर्शन लेंस या फिर एकदम हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंस जो है कहा जाता है. 40 को हाई पावर ड्राई मैग्निफिकेशन लेंस कहा जाता है, जबकि 100 को हाई पावर ऑयल इमर्शन लेंस कहा जाता है. क्योंकि जब हम 100x में ऑब्जर्व करते हैं, तब हमको ऑयल का ड्रॉप स्पेसिमेन के ऊपर रखना पड़ता है. 10x या 40x में यू कैन यूज द ग्लास कवर स्लिप. दिस इज बेसिक थिंग दैट वी नो ऑलरेडी. अभी हम देखते हैं कि अंदर के स्ट्रक्चर के हिसाब से, नॉट ऑन द मैग्निफिकेशन, अंदर के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो इसका टाइप्स और स्ट्रक्चर कैसे. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस. सो अंदर का स्ट्रक्चर मींस कितने टाइप के, कौन से अलग अलग लेंस या ग्लास फिट किए गए हैं, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव लेंस के तीन टाइप है. पहला होता है एक्रोमेटिक लेंस, दूसरा होता है फ्लूरोइट लेंस, एंड तीसरा होता है एपोक्रोमेटिक लेंस. कितने टाइप? तीन, एक्रोमेटिक, फ्लूरोइट एंड एपोक्रोमेटिक, बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, नाउ देखते हैं. सी इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व एक्रोमेट्स के अंदर यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास लेंस है. दिस इज फ्लूरोइट लेंस, तो यहाँ पे भी अलग अलग ग्लास की सिस्टम अवेलेबल है. दिस इज एपोक्रोमेट लेंस, तो आप देख सकते हो कि अंदर सबसे ज्यादा ग्लास अवेलेबल है. यहाँ पे स्पेसिमेन होगा, यहाँ से दिस इज स्पेसिमेन. ठीक है, लाइट यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिलेगा. देखते हैं पहले दो टाइप के लिए लेंस, एक्रोमेटिक एंड फ्लूरोइड. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहली बात, ये सबसे सिंपल एंड सबसे लिस्ट एक्सपेंसिव मींस चीपेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है. इनके अंदर एब्रिएशन मींस मिस्टेक, जो ऑब्जर्वेशन में इमेज ऑब्जर्व करने में थोड़ी मिस्टेक होती है, वो सबसे कम होती है जब मैग्निफिकेशन पावर लो होता है. राइट, फ्लूरोइड या एक्रोमेटिक लेंस में अगर कुछ एब्रिएशंस आ रही है, सो वो जो है, सी कभी कभी माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमेटिक एब्रिएशन आती है. क्रोमेटिक एब्रिएशन क्यों आती है? क्योंकि जब लेंस में से लाइट पास होती है, तो वो अपने 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, और उसकी वजह से एक ही इमेज जो है आपको
ब्लर या फिर अलग अलग कलर की रिंग के अंदर दिखेगी, उसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो इस एक्रोमेटिक और फ्लूरोइड ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर देखो, ये इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव लेंस स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे ग्लास हुआ जिसको क्राउन ग्लास कहा जाएगा। दिस क्राउन ग्लास इज फिटेड विद अ फ्लिंट ग्लास। यहाँ पे देखो, आई विल टेक द न्यू कलर ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। इट इज कनेक्टेड विद द, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ब्लैक कलर विल टेक। इस कवर्ड विद द फ्लिंट ग्लास, इसको फ्लिंट ग्लास कहा जाता है। और फ्लिंट ग्लास यहाँ पे लगने की वजह से ये सेम जगह पे फोकल पॉइंट जो है वो जनरेट होता है। अगर ये अलग अलग लाइट की वजह से अलग अलग जगह पे फोकल पॉइंट जनरेट होता है तो वो इमेज में अलग अलग कलर दिखते हैं हमको सराउंडिंग द इमेज। तो वो चीज़ जो है वो एक्रोमेटिक या फ्लूरोइड ग्लास के अंदर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फ्लूरोइड लेंस को सेमी एक्रोमेटिक लेंस भी कहा जाता है। सो कुल मिला के ये चार पॉइंट में हमको चार चीज समझ में आती है जो याद रखने जैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रोमेटिक लेंस। सबसे पहले वो सिंपल है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, उसमें एब्रिएशन बहुत कम है, और उसका एब्रिएशन बहुत कम होगा जब पावर जो है वो लो होता है। फ्लूरोइड ऑब्जेक्टिव लेंस को सेमी एक्रोमेटिक लेंस भी कहा जाता है। और ये कौन से टाइप की एरर को रिमूव करते हैं? क्रोमेटिक एब्रिएशन को जो है वो रिमूव करते हैं। देखो, दे कैन रिमूव द क्रोमेटिक एब्रिएशन। देखो, ये नॉर्मल ग्लास के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग कलर आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर आर ऑब्जर्व। बट जब हम लोग एक्रोमेटिक लेंस या फ्लूरोइड लेंस यूज करते हैं तो अलग अलग कलर जो है वो हमको ऑब्जर्व नहीं होता है, तो क्रोमेटिक एब्रिएशन जो है वो रिमूव होती है। थर्ड एंड लास्ट काइंड का स्ट्रक्चर वाइज ऑब्जेक्टिव लेंस है, दैट इज एपोक्रोमेट्स, जो सबसे परफेक्ट माना जाता है। क्यों परफेक्ट माना जाता है? क्योंकि वो हायर मैग्निफिकेशन पे भी बहुत कम एब्रिएशन दिखाता है, राइट? एपोक्रोमेट के अंदर क्रोमेटिक एब्रिएशन और स्फेरिकल एब्रिएशन दोनों को मिटाने की कैपेबिलिटी होती है। इसकी वजह से एपोक्रोमेटिक लेंस को बहुत परफेक्ट माना जाता है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एपोक्रोमेटिक लेंस, सी हियर इन दिस इमेज, ये इट इज फिटेड विथ, वेट, हाँ, इट इज फिटेड विथ, इट इज फिटेड विथ सो मेनी ग्लास, एंड उसकी वजह से इसके अंदर स्फेरिकल एज वेल एज क्रोमेटिक एब्रिएशन को रिमूव करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है? सो कुल मिला के इस वीडियो में याद रखने वाली चीज कौन सी है वो हम लोग एंड एक बार देख लेते हैं। वी हैव लर्न विच लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के कितने टाइप है? स्ट्रक्चर वाइज थ्री टाइप। कौन से? एपोक्रोमेट, फ्लूरोइड एंड थर्ड वन इज एक्रोमेटिक। ठीक है, एपोक्रोमेट, फ्लूरोइड एंड एक्रोमेट, उसमें से सबसे ज्यादा यूज और सबसे परफेक्ट लेंस कौन सा है? एपोक्रोमेटिक, ठीक है? जबकि फ्लूरोइड एंड एक्रोमेटिक लेंस जो है, फ्लूरोइड एंड एक्रोमेटिक लेंस जो है वो लोअर मैग्नेशन पे परफेक्ट काम जो है वो करते हैं, राइट? एक और चीज़ याद रखने जैसे कि क्या है, एपोक्रोमेट जो है दे कैन रिमूव क्रोमेटिक एज वेल एज स्फेरिकल एब्रिएशन, ठीक है? जबकि फ्लूरोइड एंड
एक्रोमेटिक लेंस जो है दे कैन रिमूव ओनली दे कैन रिमूव ओनली ओनली क्रोमेटिक एब्रिएशन। ठीक है, हमें एक और चीज का ध्यान ये रखना है कि ये दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रोमेटिक एंड फ्लूरोइड लेंस, एंड एक फ्लूरोइड लेंस को सेमी एक्रोमेटिक लेंस भी जो है वो कहा जाता है। ये लोअर रेंज में काम आते हैं और ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। ओके, चलो, दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, एंड वो मैग्निफिकेशन में यूज होते हैं एज वेल एज एब्रिएशन रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।